हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करा था जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और उसकी इंपॉर्टेंस करी थी। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने करा था टोडी, वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ही आता है, इडली और ब्रेड ये सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आ जाते हैं। सेकेंड हमने करा था माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कि इंडस्ट्रीज में क्या किस तरह से उन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम लोगों ने दो चीज पढ़े थे, वन इज द एल्कोहल एंड सेकेंड इज द एंटीबायोटिक। आइदर एल्कोहल और एंटीबायोटिक दे आर ऑब्टेन्ड एट द लार्ज स्केल इन अ वेरी लार्ज टैंक एंड उन टैंक्स को कहा जाता है फर्मेंटर्स। और फिर इसके अलावा हमने कहा था कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल स्केल पर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल, एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो हमने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिया था उसमें हमने बताया था कि एल्कोहल के बनने के लिए जो यीस्ट यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है वो होती है यीस्ट, उसको बेकर्स यीस्ट कहा जाता है, बेकर्स बी ए के ई आर अपोस्ट्रोफी एस एस। बेकर्स यीस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको तैयार करने के लिए उसको यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई। तो वही सेम सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया इज यूज्ड इन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आल्सो। फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम लोगों ने किया था कि अल्कोहल जो बेवरेजेस हैं वो कौन कौन से टाइप्स की हैं, वाइन, बियर, विस्की, रम और ब्रांडी। अब वाइन बननी है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो सेम है सब में, चाहे वाइन बना रहे हैं चाहे बियर, विस्की, रम या ब्रांडी, कुछ भी बना रहे हैं, बैक्टीरिया सॉरी यीस्ट सब में सेम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में सेम है। तो फिर डिफरेंस किस में आता है, इनका फ्लेवर में डिफरेंस क्यों आ जाता है? तो फ्लेवर में डिफरेंस आने का रीजन है कि कौन से न्यूट्रिएंट मीडियम पर उस सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया को एक्ट करवाते हैं। तो अगर बार्ली माल्ट पर सैक्रोम यीस्ट को डालते हैं तो बियर बनती है, फर्मेंटेड सीरियल्स को फर्मेंट करवाया जाता है तो विस्की बनती है, मोलेसिस को फर्मेंट करवाया जाता है तो रम, और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करवाया जाता है तो वाइन या फिर ब्रांडी बनती है। फिर इसमें था वाइन और बियर, मैंने बताया था उनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन इज लेस देन 12%, जबकि विस्की, रम और ब्रांडी में अल्कोहल कंसंट्रेशन इज मोर देन 12%। तो वाइन और बियर तो ऑब्टेंड होती है विदाउट डिस्टिलेशन, यानी बिना डिस्टिलेशन के वाइन और बियर बनती है, और विस्की, रम और ब्रांडी के लिए डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है। ओके, तो ये चीज इसके अंदर आ जाता है बेटा। तो ये हम लोगों ने कर लिया था बेटा। इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट जो किया था वो किया था एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमने ये कहा था कि एंटीबायोटिक वो सब्सटेंसेस होता है विच कैन इनिबिट द ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ और उनका मेटाबॉलिज्म को वो रिटार्ड कर देता है। तो जब ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म रिटार्ड हो जाता है तो उसकी वजह से दैट एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू किल पैथोजन। सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड करी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड की थी फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और जिसको ज्यादा मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसके एक्शन या उसका फुल एक्शन या उसके यूजेस को एस्टेब्लिश किया था अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। कब? 1945 में, सॉरी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स के वूंड्स को ट्रीट करने के लिए, और इसीलिए 1945 में फ्लेमिंग
चेन और फ्लोरे को उसके लिए क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था। अब बात आती है कि एंटीबायोटिक हमें केवल फंगस से ही नहीं मिलती है, एंटीबायोटिक हमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिलती है। ओके बेटा प्रीति, कह देना कि मैंने अनलॉक कर दी है। ओके मैंने अनलॉक कर दी है मीटिंग निकिता को। तो एंटीबायोटिक हम दूसरे बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि यू बैक्टीरिया बैसिलस से या स्यूडोमोनास से भी ऑब्टेन होती है। और एंटीबायोटिक जब से ऑब्टेन हुई है तब से अभी तक बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने में यूज में आती है, जैसे प्लेग हो गया, वोपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया और लेप्रेसी हो गया। और अगर आप लोगों ने न्यूज सुनी हो तो चाइना में अब जो स्प्राउट हुआ है ये कोरोना वायरस के बाद, अब जो उधर महामारी आई है वो आई है बेटा प्लेग। और वो प्लेग अगर बाकी सारे वर्ल्ड में भी आई तो फिर वापस से समझ लो कि तुम्हारी 12th क्लास तो गई काम से। ठीक है, तो भगवान से दुआ करो कि ये कुछ ऐसा ना हो। फिर बेटा हम लोगों ने करा था कि कुछ केमिकल और एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने सबसे फर्स्ट आपको बताए थे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं लर्न करना है, इसमें सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि भाई एसिटिक एसिड हमें एसिटोबैक्टर एसिटाइज से मिलता है, सिट्रिक एसिड एस्पेरोजिलस नाइजर से मिलता है जो फंजाय है, लैक्टिक एसिड हमें लैक्टोबैसिलस से, ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायलिकम से मिलता है। ये वाले चैप्टर का ये यहां से हिस्सा अगर मैं लेके चलती हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि ये 110% एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स में दो भी आ सकते हैं, एक तो क्वेश्चन हर हालत में आएगा ही आएगा, मतलब 3 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन बनना ही है इनमें से अभी जो पढ़ाने जा रही। उसके बाद हमने कल यहां तक पढ़ा दिया था, अब हमको लेना था बेटा एंजाइम, तो अभी हमें यहां से पढ़ना था। अब बेटा हम लोगों ने बात करी दी सर्टेन एंजाइम्स। अब आप कहोगे मैम एंजाइम्स तो आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। यस ऑफ कोर्स एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो इसी तरह से कुछ बैक्टीरियाज को मॉडिफाई करके उन बैक्टीरिया से हम लोग डिफरेंट एंजाइम ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम ले लिया, प्रोटीएज एंजाइम ले लिया, पैक्टिनेज एंजाइम ले लिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम ले लिए। तो ये 4 एंजाइम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, लाइपेज, प्रोटीएज और प्रोटीएज, पैक्टिनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एंजाइम्स वी ऑब्टेंड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी उन बैक्टीरिया के अंदर पहले वो जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिस जीन से वो लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम यूज कर सकते हैं, प्रोटीएज एंजाइम यूज कर सकते हैं और साथ में स्ट्रेप्टोकाइनेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज। हाँ बेटा मैम प्रीति को भी अनलॉक कर दो। सबको अनलॉक कर रखा है बेटा, मीटिंग ही अनलॉक कर दी है मैंने। अच्छा अनलॉक कर दी, अनलॉक कर दी बेटा, सबको अनलॉक कर दिया। एक बार देख ले, सुनना बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स में माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। अब उन एंजाइम में सबसे फर्स्ट एंजाइम की हम बात करेंगे लाइपेज। लाइपेज एज द नेम इंडिकेट क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट लिपिड। अब वो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा तो नेचुरली यहाँ पे भी ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। अब हम ये ऐसा तो नहीं है कि हम अपने सोचे कि भाई लाइपेज एंजाइम से हम अपनी बॉडी में डाल लो और लिपिड डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में तो लिपिड वैसे भी लाइपेज एंजाइम है। तो यहाँ पे लाइपेज एंजाइम का क्या यूज है बेटा, नावडेज आप देखते हो कि जब टीवी में एड भी आता है खासकर डिटर्जेंट्स का, तो उनके मेन मकसद उस डिटर्जेंट का क्या रहता है कि कैसा भी दाग हो, कोई सी भी करी का दाग हो, तेल का दाग हो, उसमें एक में तो वो जो रिन का और टाइड का तो ये आता है कि कितनी भी गंदी
शर्ट हो वो व्हाइटेस्ट व्हाइट निकल आएगी, कितना भी बड़ा ऑयल का दाग हो वो व्हाइट निकल जाएगा। तो एक्चुअली ये डिटर्जेंट्स जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेटल लाइपेज एंजाइम। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? लाइपेज एंजाइम। आप लोग भी देखोगे जब हम डीएनए का आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे बेटा, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते वक्त मैं जो मटेरियल लूंगी उसके अंदर मैं थोड़ा सा इजी डालूंगी। इजी होता है ना कपड़े धोने का साबुन, वो लिक्विड सोप, वो डालूंगी। क्यों? क्योंकि उस इजी में भी कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? लाइपेज। और डालूंगी मैं, शायद आप लोगों ने लास्ट ईयर मेरे साथ में करा भी होगा ना, डीएनए आइसोलेशन किया था ना बच्चे, आप लोगों ने किया था? तुम लोगों में से किसी ने अनानास लेके आए थे? नहीं किया। अच्छा, दूसरी क्लास को करवाया, ठीक है अभी करवाएंगे। तो उसके अंदर हमने प्रोटीएज एंजाइम के लिए हम लोग अनानास का डालते हैं जूस, और लाइपेज के लिए हम लोग इजी डालते हैं। तो खैर यहां मैं बता रही हूँ, फर्स्ट एंजाइम लाइपेज which is used in the detergents to clean the stain. कपड़ों में stain को clean करने के लिए detergents बनाते time उसमें lipase enzyme डाला जाता है, and these lipase enzymes are obtained from the microbes by the recombinant DNA technology. Our DNA technology से microbes से हम लोग क्या obtain करते हैं बेटा? Lipase which is used in the detergent for cleaning, for cleaning purpose. तो पहला काम हो गया lipase enzyme. Second, एक question आता है बेटा, why bottled juice